खुद को उजाला कंपनी का सेल्समैन बताकर बर्तन और जेवरात साफ करने वाले पाउडर को बेचने वाले दो शातिर बदमाशों ने छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चेतगिरी कॉलोनी में रहने वाली एक ही परिवार की दो महिलाओं को निशाना बनाया है। दोपहर के समय घर में महिलाओं को अकेला पाकर इन्हें प्रोडक्ट के जरिए बर्तन और जेवर साफ करने का डेमो दिखाते हुए उक्त बदमाश जेवरात ले उड़े। पठापुर रोड के चेतगिरी कॉलोनी में रहने वाली दो महिलाओं ने छतरपुर सिटी कोतवाली पुलिस को बताया कि दोपहर के समय जब वे घर में अकेली थीं तभी दो सेल्समैन की तरह दिखने वाले युवक घर आए। इन लोगों ने बताया कि वे उजाला कंपनी के सेल्समैन हैं। उनकी कंपनी एक ऐसा पाउडर एवं लिक्विड बनाती है जो कुछ ही क्षणों में गंदे बर्तनों और जेवरात की गंदगी को साफ कर देता है। महिलाएं इन बदमाशों के झांसे में आ गई और बदमाशों ने कहा कि किचन से पानी गर्म कर लाएं और कुछ बर्तन भी लाएं। युवकों ने स्टील के कुछ बर्तनों को पाउडर के जरिए साफ करने का डेमो दिया और उसके बाद उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि यह पाउडर सोने चांदी के जेवर भी साफ करता है। उन्होंने एक बाल्टी में लिक्विड को घोलकर उसमें सोने के दो मंगलसूत्र एवं कानों में पहनने वाले सोने के दो सेट बाला डलवा दिए और फिर महिलाओं से इसे घुमाने के लिए कहा। एक दूसरे बर्तन में पानी निकालकर उक्त युवक वहां से पलक झपकते ही निकल गए और महिलाएं खाली पाने लिए बैठी रहीं। जैसे ही महिलाओं को ठगी का संदेह हुआ उन्होंने दौड़कर सातिर बदमाशों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वे दोबारा नज़र नहीं आए। देर शाम मामले की शिकायत छतरपुर सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो लोग थे, दोनों लोग उजाला कंपनी की तरफ से आए थे कि ये सामान साफ करने के बहाने से आए थे कि वो बोले कि हम लोग उजाला कंपनी की तरफ से आए हैं और ये सामान साफ कर रहे हैं और हम सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हैं, अभी आपको सामान नहीं देंगे, आपका कुछ नहीं इससे जाता है, आप एक बार साफ करके देख लीजिए। तो हमने गेट भी नहीं खोले, गेट बंद किए कि मतलब पहले पायल और उसने तांबे के बर्तन दिखाए साफ करके, इसके बाद ससुर जी देवरानी सब लोग हम लोग हो गए तो बोले नहीं आप अगर चाहो ये वाला पाउडर है और इससे सोने के बर्तन भी साफ हो जाते हैं तो आप लोग किसी कंपनी के उसमें गलत सामान मतलब मत ले लेना। तो उसने एक पाउडर का पैकेट दिखाया हमें, वो उसने हाथ पे भी रखा तो बोले अगर वो ओरिजिनल होगा तो ठंडा लगेगा और लोकल होगा तो वो ठंडा नहीं लगेगा, आपको उससे सोने के सामान साफ होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने अपना मंगलसूत्र दिया तो बोले और भी कुछ सामान आप इतने पाउडर में कम से कम 10 चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। हम कहा हमें 10 चीज़ें साफ़ नहीं करवानी, हम दो ही चीज़ साफ़ करवाएंगे। बोले मैडम काहे के लिए पाउडर वेस्ट कर रही हैं आप, और कुछ डाल दीजिए। तो देवरानी सब ने दो कानों के टॉक्स ले लिए, दो जोड़ी कानों के टॉक्स हो गए और दो मंगलसूत्र हो गए हम लोगों के। बस उसने साफ़ किया और बोला हमें किचन में आ सकता आप गरम करो, एक बार हम लोग गरम करके लिया तो बोले नहीं सही से गरम नहीं हुआ, वो किचन में गया साथ में और उसने ऐसे ऐसे हिलाया है, हल्दी डाली उसमें और टिफिन बंद कर दिया। बोले मैडम आप पलटिए, बस हम लोगों ने पलटने के लिए उठाया है, इतने में वो निकल गया और इसके बाद हम लोग उसके पीछे लगे और फिर वो हमें कहीं नहीं मिला है। दो मंगलसूत्र हैं और उसमें छः छः गुड़िया लंबे जवा वाले भी हैं, गोल वाले भी हैं, तो 12-12 वो हैं और दो 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 कान के सेट हैं, दो जोड़े। हाँ पहचान भी की है, हमारे पास उसकी फ़ोटो भी है, वो हमने व्हाट्सएप भी कर दी है मोबाइल पे सबके।